जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के सामने डेर हुए पाकिस्तान के बल्लेबाज टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए पाकिस्तान के बल्लेबाज। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे कि कैसे जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में मैच पलटा, तो वहीं पर कुलदीप यादव की दो गेंदों पर पाकिस्तान की आधी टीम पेवेलियन लौट गई बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी को देख कर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू से ही जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस जीता टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान की टीम को। भारतीय टीम को पहले विकेट के लिए 8वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक रणनीति बनाई और इस रणनीति में बुरी तरह से फंस चुके अब्दुल्ला सफी को LBW आउट करके पेवेलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी जादुई गेंद से यहाँ पर पेवेलियन भेजा ओपनर इमाम उलग को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर KL राहुल के हाथों में गई और टीम इंडिया को एक और सफलता यहाँ पर दिला दी। इसके बाद दोस्तों, यहां पर अच्छी पार्टनरशिप हुई पाकिस्तान की टीम के लिए रिजवान और बाबर आजम के बीच। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक भी बाबर आजम ने पूरा किया, लेकिन इसके बाद बाबर आजम की शानदार पारी को समाप्त किया शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने और 30वें ओवर की चौथी गेंद पर उनको बोल्ड करके पेवेलियन की राह दिखा दी। इस मुकाबले में बाबर आजम 58 गेंदों का सामना करने के बाद 50 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 33वां ओवर एक और टर्निंग पॉइंट ओवर रहा, जहां पर दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने सौद शकील को LBW आउट करके पेवेलियन भेजा। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन रोहित के कमाल के रिव्यू के चलते यहां पर पेवेलियन की राह पकड़ाई सौद शकील को, जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इफ्तिकार अहमद को भी बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम के लिए एक ही ओवर में दो सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले को भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों, 34वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के बाद जसप्रीत बुमराह का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए रिजवान को बोल्ड करके पेवेलियन भेजा। रिजवान पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की अंदर आती हुई इस गेंद पर वो बुरी तरह से बीट हुए और स्टंप उखड़ गए और भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। बात करें रिजवान की, तो वो 49 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, 36वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी जसप्रीत बुमराह ने पेवेलियन भेजा शादाब खान को बोल्ड करके और भारतीय टीम को ये दो महत्वपूर्ण सफलताएं उन्होंने भी दिला दी। इसके बाद दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद नवाज को भी जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराकर एक और सफलता टीम इंडिया को दिला दी और पाकिस्तान की टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती हुई नजर आई। इसके बाद अंत में रविंद्र जडेजा ने हसन अली को भी पेवेलियन भेजकर भारतीय टीम को शानदार तरीके से पाकिस्तान की टीम को 200 रनों के अंदर रोकने में कामयाब हुई। तो दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों का यह परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।